आप देख रहे हैं एचएन न्यूज़। एचएन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अजहरुद्दीन। आइए देखते हैं आगे की तफसीलात वीडियो में। डालने के बाद में जो हम जो डिलीवर देने के लिए गए वहाँ जाने वो लोकेशन कस्टमर का नहीं था। कस्टमर क्या कर रहा, वो बैठ के कैंसिल करके ऑर्डर मेरा है बल्कि ऑर्डर खींच लिया। खींच लेने के बाद में बोला भाई पैसे COD का था वो, तो COD दियो बोले तो उन्हें क्या बोला कस्टमर, भाई मैं कैंसिल कर दियो ऑर्डर मेरे को दे देना। हमने बोले भाई काम रेस्टोरेंट को वापस जाने का ऑर्डर है ये, तो उन्हें जो है तो नहीं ऑर्डर मेरे को देना है तो कैसे जाते हैं हम ना देख लेते तुम्हारे। अब ये मसला ऐसा हमारे साथ ऐसा हो जा रहा है, एक तो हम लोग ये लॉकडाउन के पीरियड में कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर जो है सो अच्छा बुरा कुछ नहीं देख रहे, और ऊपर से हम लोगों को जो है सो कंपनी दे रही 12 रुपये में हम लोग ले जाके कस्टमर 3-4 किलोमीटर देने के बाद से कस्टमर्स हमारे को रूड बिहेव कर रहे, हमारे साथ मारने मारने को आ रहे, ऑर्डर खींच दे रहे। ये हादसा देखिए पिलर नंबर 175 SDRS पैलेस है, उसके बाद जो गली में मिलेनियम स्क्वायर बन के है वहाँ का लोकेशन था। वहाँ जाने के बाद में एड्रेस कंफर्म करे, एड्रेस वहाँ का नहीं है, कस्टमर फोन नहीं उठा रहा। अब ऑर्डर दियो बोले तो नहीं देता हूँ बोले हम लोग, क्योंकि होटल में जाने का ऑर्डर है, नहीं दिए तो कैसा जाते हैं हम ना देख लेते, बल्कि गाड़ी के ऊपर 4-5 जने आके पूरे बैठ गए। अरे वो 8-10 जने थे, फुल गांजा वांजा माल ले गए थे, आखिरी मस्त हुए थे, लगा गांजा शराब वराब पी ले गए थे फुल। तो पहली बार आपके साथ ऐसा हुआ नहीं? अब तक ये देखिए अभी अपने अत्तापुर के रामबाग में एक है, एक 175 के पास हो रहा, अरे फायम नगर वहाँ पे एक हो रहा, और अपना एक इधर बोलते जियागुड़े की साइड एक हो रहा हादसा ऐसी, और अपने सनसिटी रोड पे बल्लागुड़े पे ऐसी हो रहा, बहुत हादसे हम लोग के साथ हो रहे। और हमारी कंपनी के हमारे TL को बोल रहे हैं, हमारा कंपनी का जो TL है इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हम लोग TL को रात में कॉल करें, कॉल करने के बाद में जो है सो पहले तो कॉल लग रहा नहीं, जब कॉल लग गया तो TL का कॉल रिसीव नहीं हो रहा। अब हम लोग किसके बेस पे करेंगे, हम लोग हमारी जान भी चले गई, कुछ हो भी गया खुदा ना खासा तो कंपनी रेस्पॉन्स देने वाली नहीं है। तो उसी के चलते हुए आप लोग अभी यहाँ पे, अभी हम लोग राजेंद्र नगर PS में आए, अभी हम लोग कंप्लेन दिए, कंप्लेन रजिस्टर्ड हुई है अभी, तो वो लोग हमको एक भरोसा दिलाए कि इसका एक्शन हम लोग लेंगे, जो भी आपके साथ जो करे उनको हम जल्द से जल्द उठा लेंगे, उठा के जो भी केस बुक करना है जो भी करना है हम लोग कार्रवाई करेंगे। बल्कि हमको टेलीफोन दिया भाई पुलिस वाले ने, बल्कि नहीं तो अभी आप मीडिया के जरिए आपके कंपनी को और आवाम में कुछ रिस्पॉन्स हम मीडिया के जरिए अब ये बोलना चाह रहे हैं कि कंपनी वाले हमको जो है सो रिस्पॉन्स इमीडिएटली दे, और ताकि आपकी मीडिया के जरिए आगे पब्लिक ये होशियार हो जाए बस के आपको जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी भी कोई फैमिली है, उनकी भी कोई जान है, बस उन लोगों के ऊपर हमला ना करें, क्योंकि हम एक 12 रुपए के उसमें हम लोग जो आके वहाँ पे आपको सर्विस दे रहे हैं, देने के बाद में हमारे ऊपर ही हमला हो तो तकलीफ की बात हो रही। अगर हम अगर सर्विस नहीं देंगे तो आप खाएंगे कहाँ से, लॉकडाउन में आप खुद घर में भुक के बैठेंगे, और ऊपर से हमारे फोटो भी खींच रहे वो लोग, जो करते कर लो जाओ, किसको कंप्लेन देते दे लो, कोई भी कुछ भी नहीं कर लेता। अच्छा रूड बिहेवियर की बात हमारे साथ हो रही, हमको मालूम क्या। अब हम आप मीडिया वालों से और हम पुलिस वालों से एक रिक्वेस्ट है, बस थोड़ा हमको कॉपरेट करके हमको जो है हक, जो है हमारा हक आप लोगों ने दिलाइए बस। और ऑर्डर कैंसिल कंपनी कस्टमर का दे रही भाई, हमारा नहीं दे रही। हाँ, और पेनल्टी की, और एक मेन बात जोमेटो की क्या है बोले तो कम हमारा कुछ प्रॉब्लम भी हो गया ना वहाँ पे घर के, कंपनी वाले एक ही बात क्या बोल रहा है वो तो भाई जो भी गलती है जोमेटो राइडर की कंपनी वाला गलती बता रहा, कस्टमर वहाँ पे अगर हम कंपनी को बोलेंगे अभी तो कस्टमर हमारे यहाँ से हीरो है बोले, हम कुछ भी कर लें तो कस्टमर जो है सो उनके आज हीरो है, हम उनके आज जीरो बन गए आज। अब नहीं वो तो अब हम क्या करना समझ में नहीं आ रहा, आप लोग कुछ हेल्प कर सके तो बस। जैसे ऑर्डर ऐसे हुए तो कैंसलेशन का कुछ कंपनी रिस्पांस जल्दी दीजिए तो अच्छा है हमारे यहाँ से, तो एक एक घंटा खराब कर लेंगे हम ठहर के सुबह से शाम तक मेहनत करेंगे, वो हमको प्रॉब्लम हल होना बस कंपनी से हमको चीज होना बस। अत्तापुर का हमारा TL है, अगर हम इमीडिएटली टाइम पे अगर रिस्पॉन्स हमको मिल गया तो हमारे हर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जा सकती कंपनी के जरिए। अब कंपनी हमें को प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं करने चाहिए, हमारा TL रेस्पॉन्स नहीं देने के चाहिए, आज हम लोग को इतना बड़ा खत्म उठाना पड़ रहा कि हम लोग को PS आगे कंप्लेन दे के मीडिया में शो होना हमें को इसलिए पड़ रहा। करने का मतलब एक ही है भाई, एक को बोले तो क्या दर्जन होशियार हो जाए, तो आईना हमारे साथ नहीं होना हादसा बोल के।
ईएस में हम लोग कंप्लेंट दिए, कंप्लेंट देने के बाद में बोला एक्नॉलेजमेंट दिया और बोले कि शाम तक आपको कॉल आएगा और इंक्वायरी हो जाएंगी बोल के बोले थे अपन दिलाए हमारे को बोलो कि काम पूरा आप लोगों का हो जाएगा जो कंप्लेंट दिया उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता बोल के बोल दिए बोलो थैंक यू। ये मैं जोमेटो में डिलीवरी बॉय कर रहा हूँ और ये जो है कल मेरे को एक ऑर्डर आया था जो रॉयल जूस सेंटर से वो कैंसिल हुआ है। कैंसिल होने के बाद में कस्टमर के लोकेशन पर जाने के बाद मुझे कस्टमर मिसबिहेविंग कराया और जो है ऑर्डर के जो कैंसिलेशन कर देगा उसके पैसे होना पड़ रहा है, पैसे नहीं दिए तो ऑर्डर दे देगा आप नहीं तो पेनल्टी भरो बोल के मेरे को ऐसा टॉर्चर करा हुआ है। कौन से एरिया में हुआ भैया? ये खैम नगर में पिलर नंबर 176 एसबीआर गार्डन के बैक साइड म्यूजियम हुआ। क्या था उस टाइम पे आप गए वहाँ पर तो हुआ क्या आपके साथ? मेरे साथ लोकेशन दूसरा डाले हम लोग, दूसरा डाल के जैसा ऊपर जाके ऊपर ऑर्डर कैंसिल करके नीचे उतरे, नीचे उतरते हुए ऑर्डर कैंसिल करेंगे गाड़ी पे चार जने बढ़ गए, टोटल 12 जने थे वहाँ। ऑर्डर क्या करे ले लेके नहीं मेरा पैसे देने तो ऑर्डर दे दो बोल के बोले उनकी दोनों क्या करे हैबत के हमारे आधा घंटा पकड़ लिया उनकी दोनों दे दिए चलो भाई यहाँ तो कल कर लीजिए बोल के तो आज कंप्लेन करे हम कंप्लेन करे तो हमारे को रिस्पॉन्स आया यहाँ दिए अब पी एल साहब को हमारा दिए दोनों अभी तक नंबर नहीं दिया, नंबर देते बोले बच्चे का। कौन से पीएस में कंप्लेंट दिए? राजीव नगर में कंप्लेंट दिया हम लोग कल रात में। इमीडिएटली हमको कंपनी की तरफ से कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला हमारे को रात में, इस वजह से हमारा तकरीबन एक घंटा डेढ़ घंटा रात में डिले हो गया हम लोगों का वहाँ। कंपनी का अगर हमको टाइम पे अगर रिस्पांस मिलता तो हम लोग कस्टमर सर्विस अच्छी प्रोवाइड कर सकते। कस्टमर सर्विस देना बोलते हमको कंपनी की सर्विस हमको अच्छी मिलना, हमको कंपनी की सर्विस नहीं मिल रही। ऊपर से हमारे को कल रात में जैसा इनके साथ हादसा हुआ वही हादसा हम किसी और के साथ हुआ था, कभी किसी की जान भी चली जाती है हादसे में। बोला क्या थे वो तो कल फुल गांजे के नशे में वाइट नर्स थे वो लोग, अब उनसे हम लड़ना बोले तो हमको नहीं जानती हो बात। हमारा काम है हम ये देना चले आना ऑर्डर, वो फेक लोकेशन डाल के जो है सो हमारे को बुला के ऑर्डर छीन लेना, ऊपर से नहीं देते ऑर्डर कंप्लेंट करते हम लोग तो क्या करते कल बोल के फोटो भी खींच रहे हम लोगों के वो लोग। कंपनी को बोले तो कंपनी वाले हमारे साथ जो है जो कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं दे रहे हम लोगों को। क्या बोल रहे हैं कंपनी वाले? वो टिकट रेस करो, एसएमएस करो, टिकट रेस करो, हमें किसको पढ़ने आता किसी को पढ़ने नहीं आता, चैटिंग करने में टाइम लगता, उतनी देर में आगे वाला हमको आगे मार के भी चले आता, जब उसके बाद में रिस्पांस आने का क्या फायदा हमारे को। हम लोग ये चाह रहे ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में कंपनी एक ऐसी हेल्पलाइन निकालना ताकि हमारे को इमीडिएटली रिस्पांस होना उससे, ताकि हम सेफ रहना। अगर हम सेफ है तो आप सेफ है भाई। फिलहाल ये पैनाडेमिक सिचुएशन है इसके अंदर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा कि आप मीडिया वाले हैं, पुलिस वाले हैं, पब्लिक को हेल्प करने के वजह से पैनाडेमिक में जो है सो आप लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम भी वही सोच के पब्लिक बाहर नहीं निकलना ऐसे माहौल में बोल के हम लोग भी जो है सो घरे घर ले गए खाना पार्सल कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद में भी हमारे साथ ही हादसा हो रहा और ऊपर से कंपनी हमारे को जो है सो सही रिस्पॉन्स नहीं दे रही, हमारी कोई जान की फिक्र नहीं है, तो क्या जिम्मेदारी है कंपनी की? बस आप लोगों के जरिए हम ये कंपनी को बोलना चाह रहे कि हमारे को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करो, डायरेक्ट सर्विस दो, हमको एक अच्छी हेल्पलाइन दो और हमारे साथ जो हादसे हो रहे हैं हादसों से हमको होने से बचाओ। जो कैंसिलेशन हो रहे वो कैंसिलेशन को रोक दो, आप कैंसिल होने मत दो ऑर्डर, वो आप कैंसिलेशन होने दे रहे उसकी वजह से हमारे को प्रॉब्लम हो जाएगी, पेनल्टी हमारे को, जान पे हमारे को धोखा, क्योंकि हमारी भी तो फैमिली है। अगर हम कुछ हो जाएंगे तो फैमिली को कौन रेस्पॉन्स देगा? बस हम तो आपका अब कंपनी के बारे में तो बोल दिया आप, आपका पीएस को आप पीएस को गए थे आप लोग तो सर्कल इंस्पेक्टर के पास गए थे होंगे ना, तो सर्कल इंस्पेक्टर क्या बोले आपको? जो रात में जो प्रॉब्लम क्रिएट करे थे कस्टमर जो बुला के 8-10 जने उनका कॉन्टेक्ट नंबर आता कंपनी की तरफ से, अभी वो आने के बाद में जो सो शेयर करो, उसके बाद में हम लोग कार्रवाई शुरू करके कौन है वो लोग बुला के पीएस को लेके आएंगे। कुछ नामा मालूम है? नामा नहीं, खाली एक उसमें और वो आईडी भी फेक डाले हम लोग। क्या नाम से? चौधरी 80 बोल के एक नाम आ रहा है, मुसलमान बच्चे है चौधरी 80 बोल के नाम डाल के ऑर्डर करे, फेक ऑर्डर, फेक नेम फेक एड्रेस है लोगों का। बस ऐसे फेक एड्रेस होने से भी हमारे थोड़ी सेफ्टी होना हमारे। ठीक